और वो जिसको आपने पप्पू कहा, क्या नाम है उसका, 51 साल का युवा नेता, हाँ राहुल बाबा, सुन लो राहुल बाबा, 130 करोड़ भारतीयों पर FIR करो। जब भी प्रेम कुमार, जब भी प्रेम कुमार बोलता है ना जवानों की शहादत, तो मुझे टीवी के अंदर सब बदबू आती है। जब भी प्रेम कुमार शहादत की बात करता है टीवी के अंदर सब बदबू आती है, एक घिन सी आती है। ये आदमी इतना झूठा है, आज इसने इतनी गिरी भी बात करी है टेलीविजन पे। आप क्यों चिल्ला रहे हैं? EMI लेते हो क्या? EMI लेते हो क्या? वाड्रा परिवार से या देते हो? नरेंद्र मोदी तो कौन बोल रहा है तुम्हें? बात ही नहीं कर रहा, बात ही नहीं कर रहा, इंसल्ट कर दूंगा और सरकार, बात ही नहीं करूंगा, इंसल्ट कर दूंगा अगर मुझे रोकने की कोशिश करोगे तो। जयचंद कहीं के, विवेक सिंहपिंग, जयचंद, मीर जाफर नंबर 1, मेरी बात सुनो। राहुल गांधी के पीछा मंत्री बैठा है बॉर्डर पे, इंडियन आर्मी, सुनो हम लोग एक बात कहते हैं, अर्रा 24 घंटे के बाद आर्मी पूरा कमा रही है, पूरा पता नहीं कहां से आया है भूखा नंगा आदमी, इसको हटाओ यार, सवाल नहीं करेगी ये आदमी को, कुछ नहीं पता। प्रेम कुमार सुनो, प्रेम कुमार और प्रेम कुमार ये आपके साथ अर्नब, ये आदमी जो है प्रेम कुमार, ये देश के सामने झूठ बोल रहा है और मैं बताता हूँ क्या झूठ बोल रहा है। हिम्मत है तो सुनो मेरी बात, हिम्मत है तो मेरी बात सुनो। अरे प्रेम कुमार हलवाई, मेरी बात सुनो तुम, मैं तुम्हें बताता हूँ तुम क्या। कांग्रेस का इतिहास पढ़ ले, इतिहास में तारीखें याद कर ले, जरूरी था पूछिए भारतीय जनता पार्टी। अरे चुप रहिए प्रेम, प्रेम गुप्ता जी, प्रेम से बोल रहा हूँ आपको मैं, चुप रहिए 2 मिनट। इतिहास में तारीखें क्या याद करनी पड़ती है? अब मैं आपको अगली तारीख याद दिलाता हूँ। एक मिनट ब्रिगेडियर साहब, एक मिनट। अरे मैं कह रहा हूँ प्रेम कुमार रुक जाओ एक मिनट, मेरी बात सुनो। ब्रिगेडियर अनिल गुप्ता, 29 नवंबर 1996, HD देवेगौड़ा देश के प्रधानमंत्री थे, कांग्रेस का समर्थन उनके पास था। तब उन्होंने चीन के बीच एक समझौता हुआ, उनके बीच और चीन के बीच समझौता था कि LAC पर 2 किलोमीटर तक हथियारों का इस्तेमाल नहीं होगा। इसका मतलब हथियार तो होगा लेकिन उसका इस्तेमाल नहीं होगा, है ना? नरेंद्र मोदी ने साइन नहीं की थी ये, हा? आप ही कांग्रेस वालों ने की थी। जब इस्तेमाल नहीं करना तो हथियार सिर्फ दिखाने के लिए बन गया। सुनो मेरी बात, मुझे तो गर्व है, मुझे तो ब्रिगेडियर अनिल गुप्ता गर्व है, मेरे सैनिकों पर गर्व है। मुझे ऐसे सैनिक हैं जो जानते हैं कि जान की बाजी लेकर जाते हैं, मगर वहां पे हथियार का इस्तेमाल नहीं करते, क्योंकि जान जाए पर वचन ना जाए, जो बात गौरव आर्या ने की। ऐसे शहीदों पर, ये शहीदों का ऐसा सम्मान करना चाहिए और उनके साथ इस तरह की गंदी घटिया राजनीति वाड्रा परिवार करती है। ब्रिगेडियर अनिल गुप्ता, खून खौलता है मेरा, आपका भी होगा। बिल्कुल, मेरा खून खोल क्या रहा है, मेरा खून इतना ज्यादा नसों में आ गया है कि मैं बात करने के लिए इतने जोश में हूँ। मैं आपको बता दूं कि 51 साल का पप्पू जो कि दिल्ली की सर्दी नहीं सह सकता, वो कैसे समझेगा कि 15,000 फुट के ऊपर, वो भी रात की ठंड में, किस प्रकार हमारे सैनिकों ने लड़ाई की, किस प्रकार किया गया, और निहत्थे वो क्यों थे, क्यों क्यों इसलिए थे, इनके बाप दादाओं ने वहां मुझे एग्रीमेंट की थी, उन एग्रीमेंट के कारण वो लोग वहां पर गए थे, जाने बचाई जा सकती, उनको इलाज नहीं मिला, उस सर्द में घायल जवान हमारे तड़प तड़प कर मरे, लेकिन उनको एयरलिफ्ट नहीं मिला। इस बारे में बताइए कर्नल साहब, 40 को मारा और उन्होंने अपनी जान की परवाह नहीं की, सिर्फ भारत माता के निशान के लिए। 1967 में हमने 88 मरे थे, हमने 300 मारे थे, नमक के लिए हमारी सेना ने शौर्य दिखाया, लेकिन वो नेतृत्व कहाँ था जिसने गोली चलाने की इजाजत नहीं दी? ये कहाँ था वो नेतृत्व? बैठकर आज एक बड़ी सी आवाज बढ़ाकर राजनीतिक भाषा बताइए कर्नल साहब, सच्चाई बताइए देश को, देश को सीमा पर क्यों भेजा? अरे ये जो हो रहा है, ये जो क्या गलत भाषा बोली उन्होंने, तुम्हारे बाप दादों की देन है, ये हिंदी चीनी भाई भाई का नारा तुम्हारे बाप दादा ने लगाया, और कोई नंबर 1 इलाज नहीं मिला। राहुल गांधी नंबर 1 राहुल, जो कुछ बोल रहा है
गौरव आर्या एक मिनट मैं ब्रिगेडियर साहब से रिक्वेस्ट करूंगा। गौरव आर्या इनको टॉलरेट कैसे करेंगे? एक मिनट पहली बात, इसके पहले की बात आगे चली जाए ना। एक मिनट गौरव एक शब्द उसके बाद आपको दे रहा हूँ। ये प्रेम कुमार को गुस्सा आता है जब इनके नेता को कोई पप्पू कहता है। पप्पू, PAPPU पप्पू, क्या गलत बोला लोगों ने? पप्पू बोला मैंने, गलत पप्पू बोला मैंने, नहीं बोला मैंने, बोला राहुल बाबा, उसी में गुस्सा आता है। और गुस्सा तब आता है जब वही राहुल बाबा जो मन में है बोलते हैं सैनिकों के बारे में। एक शो करके दिखला दीजिए, अरे इस कायरता के खिलाफ दिखला दीजिए कि क्यों। प्रेम कुमार मेरी बात सुनो, प्रेम कुमार मेरी बात सुनो। एक इसकी कायरता, तुम्हारी कायरता, बोलो अर्णव, अर्णव ये आदमी जो है प्रेम कुमार, ये देश के सामने झूठ बोल रहा है। और मैं बताता हूँ क्या झूठ बोल रहा है। हिम्मत है तो सुनो मेरी बात, हिम्मत है तो मेरी बात सुनो। अरे प्रेम कुमार हलवाई मेरी बात सुनो तुम, मैं तुम्हें बताता हूँ तुम क्या झूठ बोल रहे हो। मैं बताता हूँ तुम और तुम्हारा बॉस क्या झूठ बोल रहे हैं, सुनो मेरी बात। अर्णव इस आदमी ने ये बोला, इस आदमी ने ये बोला कि जब हमारे सैनिकों को चोट लगी थी। अरे मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, हिम्मत है तो बात सुनो, नहीं है तो बोलते रहो, मैं समझ जाऊंगा तुम कायर हो। अब मेरी बात सुनो, सुनो मेरी बात सुनो। बात ये प्रेम कुमार ये कह रहा है, प्रेम कुमार ये कह रहा है भाई कि जब हमारे सैनिकों को चोट लगी उस ठंड में भारतीय सेना ने अपने सैनिकों को छोड़ दिया और उसका इलाज नहीं करवाया। वाह, वेल डन प्रेम कुमार। ये आइडिया तुम्हें किसने दिया दोस्त? ये प्रोपेगेंडा ग्लोबल टाइम, सुनो मेरी बात, अरे सुनो मेरी बात, जाहिल आदमी मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो कायर, सुनो। यही प्रोपेगेंडा ग्लोबल टाइम तीन दिन से कर रहा है, यही प्रोपेगेंडा ग्लोबल टाइम चाइना का ग्लोबल टाइम तीन दिन से यही प्रोपेगेंडा कर रहा है। अरे सुनो मेरी बात, सुनो तीन दिन से ग्लोबल टाइम्स यही स्टोरी रन कर रहा है। हमारा रक्षा मंत्री, सुनो, अरे रक्षा मंत्री बैठा है बॉर्डर पे, इंडियन आर्मी, सुनो हम लोग एक बात कहते हैं, अर्णव ये आर्मी पूरा कमा रहा है, पूरा पता नहीं कहाँ से आया है भूखा नंगा आदमी, इसको हटाओ यार, ये आदमी को कुछ नहीं पता। प्रेम कुमार सुनो, प्रेम कुमार और प्रेम कुमार ये एक एक आदमी, इंडियन आर्मी का ट्रेडिशन है, इंडियन आर्मी का ट्रेडिशन है। आई एम सॉरी ब्रिगेडियर साहब, मैं आपके ऊपर बोल रहा हूँ, इंडियन आर्मी का ट्रेडिशन है, चोट लगी तो दूर, चोट लगी तो बहुत बड़ी बात, वी डू नॉट लीव। जो बंदा शहीद हो जाता है उसका पालन नहीं हुआ। आवाज गई, ये क्या बकवास कर रहे हैं? जवान हमारे मारे गए तीन से। माइक उठाइए गौरव वाले, आपकी माइक गिर गई है। रात में इलाज मांग रहे थे मेरा अनिल गुप्ता, नहीं हुआ। आप माना जाता उनको एयरलिफ्ट होना चाहिए था, बैकअप मिलना चाहिए था, नहीं मिला बेटा अनिल गुप्ता। अरे एयरलिफ्ट क्या, ये झूठ बोला, ये झूठ बोला, इस झूठे को पकड़ो। गौरव ब्रिगेडियर अनिल गुप्ता, ब्रिगेडियर अनिल गुप्ता, ये एक बात, एक बात ब्रिगेडियर अनिल गुप्ता, ब्रिगेडियर साहब एक मिनट अनुमति दीजिए, अनुमति दे ब्रिगेडियर साहब और जनरल जीडी बख्शी को आमंत्रित करता हूँ। जनरल जीडी बख्शी जी, जनरल गगनदीप बख्शी स्क्रीन पर आए। एक मिनट रुकिए प्रेम कुमार, जब जनरल गगनदीप बख्शी बोल रहे हो ना तब आपको चुप रहना चाहिए। जनरल गगनदीप बख्शी जी, एक सवाल आपसे मेरा है। आजकल हमारे सैनिकों को लेकर कोई भी कुछ भी कहता है। एक मिनट जी, ये कह रहे हैं कि हमारे शूरवीरों की को एयरलिफ्ट नहीं किया गया, झूठ बोलते हैं? कौन, किसने कहा एयरलिफ्ट नहीं किया गया? दिखाइए मुझे सबूत। आप मांगते हैं ना सबूत, मैं मानता हूं सबूत, दिखाइए अपने झूठ का, या माफी मांगो। प्रेम कुमार जी माफी मांगो, देश से माफी मांगो कि टीवी प्रोग्राम पर आकर झूठ बोलते हो। पूछ रहे हैं, बताओ कितने पैसे लिए चीन से? बोलता हूं, बताओ, सुनिए, कितने पैसे लिए चीन से बताओ मुझे, पूछता है भारत। खबर दिखाई है क्या कि हमारे सैनिकों की एयरलिफ्टिंग हुई? किसने बोला एयरलिफ्टिंग? मुझे हटा करके माफी मांगेंगे इस ये से? कैसी बात कर रहा है प्रेम कुमार? जवाब दो, देश की आर्मी पे आरोप लगा रहे हैं, प्रेम कुमार को अर्णव जी माफी मांगेंगे? सवाल उठा रहा है, झूठ बोल रहे हैं? अरे तुम ग्लोबल टाइम्स की भाषा बात कर रहे हो प्रेम कुमार? क्या चाइना से पैसे लेके आयो? तुमने 370 नहीं हटाई 70 साल से, जिससे पाकिस्तान को फायदा हो, और अब तुम चाइना की बात कर रहे हो जिससे चाइना को फायदा हो? प्रेम कुमार शर्म करो और माफी मांगो। तुमने सवाल पूछो, जो सवाल पूछा गया उस पर एक जवाब नहीं, जो सवाल पूछा गया उस पर एक भी जवाब नहीं। प्रदीप भंडारी, अरे मैं इनको पूछ रहा था
राजीव भंडारी, सवाल क्या था? झूठ बोलते हैं ये लोग। सवाल क्या था? सवाल था कि यूपीए सरकार और चीन के बीच में समझौता हुआ था कि नहीं हुआ था, कांग्रेस के सरकार और चीन के बीच में समझौता हुआ था कि नहीं हुआ था। सवाल तो मैं वो पूछ रहा हूँ, सवाल का जवाब दो विवेक श्रीवास्तव। कांग्रेस सरकार और चीन के बीच में समझौता हुआ कि नहीं हुआ था? समझौता क्या था? समझौता था कि एलएसी पर एक दूसरे के खिलाफ शक्ति का प्रयोग नहीं होगा। क्यों किया था समझौता? क्यों किया था समझौता? क्यों किया था समझौता? क्यों ऐसे समझौते पर आपने हस्ताक्षर किए थे? क्यों किया था? आप कृपा करके नरेंद्र मोदी से सवाल पूछिए, किसी फ्रंट पे तो सक्सेसफुल। अरे वही तो, वही चीनी तोते के तरह बटर बटर कर रहे हो, वही बातें। ये बाबा रामदेव के आप ले आए, जनरल बख्शी जी आए, फॉरेन नीति दिखा दो आपके पास, क्या नीति है? कूटनीति भी नहीं है बात करने मेरी। आज राहुल गांधी, आज राहुल गांधी सोने से पहले एक काम जरूर कीजिए आप। एक मिनट चुप रहिए, आपके नेता के बारे में बोल रहा हूँ। आज राहुल गांधी जी, मैं अर्णब गोस्वामी आपसे कह रहा हूँ, मैं आपको पप्पू नहीं बोलता। क्या मैंने आपको पप्पू बोला? सरकार ने, राहुल गांधी मेरे प्रोग्राम देखते हो ना, क्या अर्णब गोस्वामी ने तुम्हें पप्पू कहा? क्या मैंने पप्पू कहा तुम्हें? नहीं कहा ना, नरेंद्र मोदी के बारे में मैंने नहीं कहा ना, दूसरों ने कहा। आज राहुल गांधी सोने से पहले एक काम जरूर करें, अपने परिवार की इतिहास उठाइए, अपने परिवार की वाड्रा परिवार की इतिहास उठाइए, पढ़िए कि चीन के साथ वाड्रा कांग्रेस का कितना कितना याराना है, कितनी दोस्ती है। उसके पहले मैं आपका काम आसान करता हूँ। आज पहली बात, आपके ग्रेट ग्रैंडफादर यानी कि परदादा, आपके परदादा, मेरी बात सुनो, आप नेहरू परिवार के चाटुकार हैं क्या? चुप रहिए, मैं चेंज कीजिए स्क्रीन। आपके ग्रेट ग्रैंडफादर यानी कि परदादा, परदादा श्री जवाहरलाल नेहरू जी, श्री जवाहरलाल नेहरू जी, उनके समय में चीन के अक्साई चीन पर कब्जा कर लिया चीन ने। ये है बात। और दूसरी बात, आप चुप रहिए, मैं दूसरे से बात कर, आपसे बात भी नहीं कर रहा, आप क्यों चिल्ला रहे? ईएमआई लेते हो क्या? ईएमआई लेते हो क्या वाड्रा परिवार से या देते हो? तो कौन बोल रहा है तुम्हें? बात ही नहीं कर रहा, बात ही नहीं कर रहा, इंसल्ट कर दूंगा और सरकार, बात ही नहीं करूंगा, इंसल्ट कर दूंगा अगर मुझे रोकने की कोशिश करोगे तो। जयचंद कहीं के, विवेक सिंहपिंग, जयचंद, मीर जाफर नंबर वन, मेरी बात सुनो। राहुल गांधी के पिता श्री राजीव गांधी, उनके समय में अरुणाचल प्रदेश पर अपना चीन, चीन ने अपना दावा करना करने लगा था। इसके टाइम पर, राजीव गांधी के टाइम पर, और आपकी माता श्री श्रीमती सोनिया गांधी एंटोनिया माइनो, उनके समय में चीन ने डेप्सांग घाटी में अतिक्रमण किया था, और उसके बावजूद और उससे पहले आपके माता श्री सोनिया गांधी एंटोनिया माइनो ने जिनपिंग के साथ 2008 में मीटिंग करके स्पेशल अरेंजमेंट की थी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के साथ। बोल दो, उजागर कर दो, बताओ प्रेम कुमार, रोकोगे मुझे? कितनों को रोकोगे बताओ? कितने लोगों का मुंह बंद करोगे बताओ? लाओ एफआईआर, लाओ, करो एफआईआर, करो। कितने एफआईआर करोगे? लाओ एफआईआर करो। लोग बोलेंगे, सच्चाई बोलेंगे, गौरव आर्य प्रदीप भंडारी। अरे भाई दिमाग खराब हो गया आपका? अर्णब, मैं आपको कह रहा था, अतीत में चले जाते हैं, चीन हमारी सीमा में कैसे घुसा? चीन हमारी 130 करोड़ भारतीयों पर एफआईआर करो, मैं कह रहा हूँ वाड्रा कांग्रेस 130 करोड़ भारतीयों पर एफआईआर करो, मगर सच बोलेंगे हम। 130 करोड़ भारतीयों का मुंह बंद करने की कोशिश करो, मगर सच बोलेंगे हम। जवानों की शहादत होने दी और हमारे जवानों की बहादुरी देखिए। प्रेम कुमार, जब भी प्रेम कुमार, जब भी प्रेम कुमार बोलता है ना जवानों की शहादत, तो मुझे टीवी के अंदर से बदबू आती है। जब भी प्रेम कुमार शहादत की बात करता है टीवी के अंदर से बदबू आती है, एक घिन सी आती है। ये आदमी इतना झूठा है, आज इसने इतनी गिरी हुई बात करी है टेलीविजन पे। प्रेम कुमार, तुम इतने गिरे हुए इंसान हो, तुमने बोला कि जवानों का हमने दवाई नहीं करवाई, वहां पे जवानों का इलाज नहीं करवाया, ये क्या चाहता है? मैं बताता हूँ, वरना मैं इसको एक्सपोज करता हूँ, इस हलवाई को। ये चाहता है कि जो इसका मालिक है राहुल गांधी, राहुल गांधी इसको देख ले, राहुल गांधी इसको देख ले, इस पे तरस करके एक इलेक्शन का, एक एमएलए का टिकट फेंक दे। सारे लोग आप जैसे नहीं है, ना चुनाव,
मैं चाहता है कि राहुल गांधी इसको देख ले और इसके ऊपर अगर तुम्हें अगर कांग्रेस का टिकट मिल गया तो फिर हार जाओगे, राष्ट्र की भाषा फिर हार जाओगे, कोई राष्ट्र की बात नहीं, पार्टी के समर्थन में गद्दार है हलवाई के खिलाफ, ये हलवाई गद्दार है, ये बिल्कुल गद्दार आदमी है, कैसे भारतीय सेना को बोल रहा है, कैसे बोल रहा है, कैसे बोल रहा है, अरे चुल्लू भर पानी में डूब रहे, तुम्हारे लिए तो पूरा टप चाहिए जनरल पक्षी, तुम चुल्लू भर अभी देखिए जनरल गगनदीप पक्षी बोल रहे हैं, गौरवारिया आपके सीनियर अफसर बोल रहे हैं, आप उनको बोलने दीजिए, गौरवारिया साहब अब हमारे सीनियर अफसर जनरल गगनदीप पक्षी बोलेंगे, प्रेम कुमार जी बिल्कुल ना बोले, मुंह पर ताला, क्या बोला मैंने, ताला लगाओ, ताला लगाओ, ताला लगाओ, ताला लगाओ, नहीं तो लगवा दूंगा, जनरल पक्षी जी बोले, अर्णब मैं कहना ये चाहता हूँ कि 1993-1996 के ये जो एग्रीमेंट थे इन्होंने आज तक हमारे फौजियों के हाथ बांध के रखे थे, और जून 15-16 की रात को ये दोनों एग्रीमेंट तबाह हो चुके हैं। अब अर्णब अब हम आगे देखें, हमारे जवानों का हाथ खोल दीजिए ताकि हम हथियार इस्तेमाल करें, हथियार इस्तेमाल करने का समय आ गया है, हथियार इस्तेमाल करने का समय आ गया है, ये जो एग्रीमेंट थे 93-96 ये शौक और गलतियों में बहा देने का समय आ गया है, बहा दीजिए इन कागजों को फाड़ कर 1993-1996 के जो एग्रीमेंट आपने किए थे वो चीन की फौज ने खत्म कर दिए हैं, उनको गलवान की नदी के ठंडे पानी में बहा दो और आप हथियार उठाओ, पीछे मत देखो, राहुल को बोलो आगे देखो जिम्मेवार है क्या, अरे जनरल बख्शी इसके लिए भी अपोजिशन से जवाब दे, अपोजिशन जवाब दे इसके लिए भी, मोदी की नाकामियों के लिए भी अपोजिशन जवाब दे, मोदी के लिए निकम्मा गिरी के लिए भी अपोजिशन जवाब दे, अरे रूलिंग पार्टी से हम फौजियों का कुछ लेना देना नहीं, हमारा कुछ लेना देना नहीं, मैं कह रहा हूँ, मैं मांग कर रहा हूँ आज रिपब्लिक चैनल से कि ये बेकार सा जो एग्रीमेंट है इसे उठा के गलवान की ठंडी नदी में डाल दीजिए, खत्म हो गया, खत्म हो गया 93-96 का एग्रीमेंट जो आपके बाप दादा ने किया था, दोस्तों इनको मैं एक्सपोज करूंगा, जनरल बख्शी जनरल बख्शी इनको मैं एक्सपोज करूंगा, इनको मैं एक्सपोज करूंगा, करूंगा मैं इनको, छोड़ूंगा नहीं, अब मैं एक्सपोज करूंगा, इन्होंने मुझे प्रोवोक कर दिया, एक मिनट दोस्तों मुझे एक मिनट दीजिए, मैं आपको एक ऐसी बात बताऊंगा जिसको सुनकर आप चौंक जाएंगे, मुझे 2 मिनट शांति से, जितने मेरे रिपब्लिक भारत पूछता है भारत के जितने हमारे दर्शक हैं जो हमारे साथ हैं जिनका विश्वास है राष्ट्र सर्वोपरि, जो दिन में हर दिन कहते हैं भारत माता की जय और संकोच नहीं करते इस कहने में कि भारत माता की जय, भारत माता की जय, उन दर्शकों को मैं एक ऐसी सच्चाई बोलूंगा जो सुनकर आप चौंक जाएंगे, दोस्तों हम राष्ट्र के नाम हैं और किसी से नहीं डरते, और वो जिसको आपने पप्पू कहा, क्या नाम है उसका, 51 साल का युवा नेता, हाँ राहुल बाबा, सुन लो राहुल बाबा, 130 करोड़ भारतीयों पर FIR करो, मैं तुम्हें चैलेंज करता हूं, मैं तो जाऊंगा, करो FIR मुझ पर, मैं तो बोलूंगा, रोक के देखो मुझे, है ना, तुम्हारे जैसे नहीं है हम वंशवाद, जीवन में आधा समय तो देश में नहीं रहते हो, बकवास करते हो, करो FIR, मैं कहता हूँ बकवास करते हो तो करो FIR, खुली 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 झूठ है, करो अपने चाटुकारों को बोलो अर्णब गोस्वामी पे FIR करो, दिमाग खराब हो गया, अब मैं बोलूंगा आपकी माता श्री ने क्या किया, दोस्तों अब तक जो मैंने इतिहास पढ़ाई, अरे भाई प्रेम कुमार जब स्पीक व्हेन यू आर स्पोकन टू अंग्रेजी में उसका अनुवाद कीजिए, प्रदीप भंडारी जी इनको बताइए, स्पीक व्हेन यू आर स्पोकन टू प्रदीप भंडारी, मतलब जब कोई आपसे बात करे तब आप बात की, इसका अनुवाद करो प्रदीप इनके लिए प्लीज,
प्रेम कुमार जब बोला जाए तब बोलो, समझे? जब नहीं जब बोला जाता है तो वो लोग जो बोलते हैं उनको क्या कहते हैं तुम्हें भी पता है। प्रश्न सरकार अब तक तो मैंने जो इतिहास पढ़ा है ना वही तो सिर्फ वाड्रा कांग्रेस की कारस्तानी का ट्रेलर है, असली धमाका अब होगा दोस्तों। एक मिनट, तारीख 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 तारीख, अरे मीर जाफर के मुंह से चमचा शब्द भी ठीकने लगता है, आप चमचे के तीन लेवल नीचे हो, सुनो मेरी बात। तारीख है 7 अगस्त 2008, तीन लेवल। आप, मैं किसी का अपमान नहीं करना चाहता गौरव आर्या, आप आइए स्क्रीन पर, मगर कोई मुझ पे ना ये प्रेम कुमार मतलब कि ये ज्यादा हो रहा है। मैं केयर नहीं करता, मैं केयर नहीं करता यार, मैं केयर नहीं करता। हजारों जंग पार करके हम इधर पहुंचे हैं, आप जैसे वंशवादों और वंशवादों के जितने चाटुकार हैं उनको हम केयर नहीं करते, समझे ना?